ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन से जुड़े राशन विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर शासन को ज्ञापन सौंपा है। सरकार लगातार इन लोगों की अनदेखी कर रही है। इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये लोग 1 जनवरी से हड़ताल पर चले जाएंगे। काशीपुर में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर खाद्य पूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अध्यक्ष विनोद कुमार सारस्वत ने कहा कि राशन विक्रेताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर आगामी 1 जनवरी 2024 से कार्य बंद करने का फैसला किया गया है, क्योंकि कई वर्षों से विक्रेताओं द्वारा मानदेय दिए जाने की मांग की जा रही है, जिसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अनदेखा कर रही हैं। और अभी तक कोरोना काल से लंबित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की धनराशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, साथ ही वर्तमान में लाभांश और भाड़े की धनराशि को प्रतिमा नियमित रूप से अन्य कर्मचारियों की भांति समस्त सस्ता विक्रेताओं के खाते में भुगतान की मांग के लिए खाद्य पूर्ति अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता राष्ट्रीय एसोसिएशन और उत्तराखंड संगठन द्वारा ये देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करा गया, जिसमें हमारी मुख्यतः मांग ये है कि हमारा मानदेय न्यूनतम आय गारंटी जो जीवन यापन के लिए हमारे बहुत जरूरी है, और दूसरा कोरोना काल के समय का लंबित जो हमारा भुगतान है वो आज तक नहीं हुआ, और जब से सरकार ने ये NFS का जो सफेद कार्ड का जो ये फ्री करा है, इसका कमीशन नियमित रूप से नहीं आ रहा, और बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व ने और भी कुछ मांगे जो है खाद्य मंत्री के सम्मुख सरकार के सम्मुख जारी रखी है, जब तक इन सब का निराकरण नहीं होगा तब ये हड़ताल जारी रहेगी, जिसमें काशीपुर इकाई पूरी तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।